नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 14 अप्रैल 2023 शुक्रवार का दिन है और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष आज नवमी तिथि है। नक्षत्र है आज उत्तराषाढ़ा। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:47 से लेकर 12:37 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह प्रातः आज 5:49 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहेगी मकर राशि पे। आज के जो अशुभ समय होगा तकरीबन होगा सुबह प्रातः 7:02 से लेकर सुबह 8:15 तक रहेगा। इस अशुभ समय में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें, नहीं तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की, और ये प्रोजेक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि के जातकों, आज कई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि आज धन योग के धन आने के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। मिथुन राशि के जातकों, आज खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, एक नहीं बल्कि कई जगहों से धन का स्रोत नजर आएगा। आज आपके पुराने कामकाज जो नहीं निपट पा रहे थे वो भी निपटेंगे। साथ ही साथ आज बैंक से लोन वगैरह मिलने की संभावना नजर आ रही है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और वित्तीय मामलों में सुधार होगा। मिथुन राशि को आज के दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज अपने परिवार में खुशियां देखने को मिलेगी, घर में खुशियां लौट कर आएगी। अगर किसी के साथ मतभेद था या फिर किसी के साथ अनबन थी तो वो अनबन दूर होगी। घर परिवार का आज सपोर्ट मिलेगा। व्यापारी हैं तो आज व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, महत्वपूर्ण यानी कि लाभ मिल सकता है। आज पहले से कहीं किए हुए निवेश, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, जमीन प्रॉपर्टी में हो, निश्चित तौर पर आज आपको फायदा दिलाएगा, लाभ ही लाभ दिलाएगा। अटके हुए तमाम कार्य मिथुन राशि के पूरे होंगे। मिथुन राशि को आज खुशियों से भरा रहेगा दिन। मिथुन राशि को आज धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कई प्रकार की जो दिक्कतें थी, जो जीवन में चली आ रही थी, वो दूर होंगी। बेरोजगार जातकों को रोजगार मिलने से शुभ समाचार मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। सरकारी कामकाज में आज आपको लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र से आज आपको फायदा होगा। सरकारी संगठन से जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ होगा। आज आपको बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। पुरानी प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाह रहे थे और नहीं बेच पा रहे थे तो आज बेच पाएंगे। आज उसका निपटारा मिले नहीं होगा। कई प्रकार की समस्याएं थी वो दूर होंगी। साथ ही बता दें कि आज यानी कि किसी भी समस्या को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि काम पर विशेष रूप से ध्यान रखें। व्यापार में अचानक से तेजी देखने को मिलेगी आज के दिन। आज आपको यानी कि घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा और सहकर्मियों का साथ मिलेगा, उन्नति में ये सहायक होगी। आज आपको बता दें कि बहुत ही खुशकिस्मत बन रहेंगे। आज आपको बता दें कि ढेर सारी खुशियां मिल सकती है और जो कुछ भी समस्याएं थी, जो कुछ भी परेशानियां थी, वो दूर होगी। आज आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। अविवाहित जातकों के विवाह के योग रिश्ते आएंगे, जिससे घर में खुशियां छाई रहेंगी। कई प्रकार की जो समस्याएं थी, जो परेशानियां थी, वो दूर होती चली जाएंगी। आज आपको बेहतर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कट वचन बोलने से बचें, क्रोध ना करें, ईगो दिखाने से बचना होगा और आज उचित निर्णय लेने होंगे और उचित मार्ग दर्शन किसी का प्राप्त हो सकता है, जिससे भविष्य में ये काम आ सकता है या फिर भविष्य उज्ज्वल बनाने की कोशिश कर सकते हैं आज के दिन। आज आपके व्यवहार में बदलाव भी देखने को मिलेगा। परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन संतान की ओर से थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिलेगी, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। आज आपका भाग्य तो साथ देगा, धन के मामले में भी जोरों पर रहेगा, लेकिन फिर भी आज आपको किसी से विवाद करने से बचना होगा, किसी को उधार कर्जा देने लेने से बचना होगा। आज धन संबंधित निर्णय लेने पर विचार विमर्श कर सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों को ऑफिस का माहौल यानी कि थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ऑफिस के कामकाज पर यानी कि राजनीति न करें, अन्यथा यह आपके लिए हानिकारक भी सिद्ध साबित हो सकता है। बता दें कि आज धन खर्चों में बढ़ोतरी भी होने के योग है, लेकिन खर्च पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। अगर कामयाबी हुए तो धन संचय करने में अच्छा होगा और आज व्यापार के क्षेत्र में आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, साथ ही बरकत कर सकते हैं। आपके घर परिवार में खुशियां प्राप्त होंगी, माता पिता का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर वातावरण काफी अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। आज वेतन में वृद्धि हो सकती है, पदोन्नत के योग बन रहे हैं और आज आपको यानी कि ईगो बिल्कुल नहीं दिखाना होगा। आज बैंक से आपके लोन वगैरह मंजूर हो सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो काफ़ी लाभ होगा। ज्वेलरी का काम करते हैं, सोने चांदी का, तो आज आपको फायदा ही फायदा होगा। कई प्रमुख कार्य
बनेंगे, आज मान सम्मान की प्राप्ति होगी, समाज में आज आपका लाभ होगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से आप मुलाकात कर सकते हैं, उठना बैठना हो सकता है, आमदनी बढ़ सकती है। आज आपके रिश्तेदारों के साथ जो पहले अनबन थी वो दूर होगी। बता दें कि आज आपका यानी कि प्रत्येक काम आसानी से बनेगा। आज आपके हुनर यानी जो आपके अंदर हुनर है उसका प्रदर्शन कर पाएंगे, बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, लाभ के योग बने रहेंगे, लगातार आमदनी बढ़ेगी। कुछ ऐसे कार्य भी पूरे होंगे जो काफ़ी समय से अधूरे पड़े थे, पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होंगी और कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक फायदा देखने को मिलेगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे और कुछ ऐसे कार्य भी पूरे होंगे जो काफ़ी समय से नहीं बन पा रहे थे। आज आपकी धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी, व्यापार में चली आ रही परेशानियां भी दूर होगी, इनकम बढ़ेगी और जीवन साथी से संतान को लेकर बहुत बड़ी खुशियां प्राप्त होंगी, कई बड़े चमत्कार होंगे। आज आपके घर परिवार का सपोर्ट बहुत तेजी से मिलेगा, आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति की मदद मिल सकती है जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आज कई बड़ी भविष्यवाणी, कई बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी, कई बड़ी यानी कि कामयाबी दस्तक दे रही है घर परिवार में। आज आपके कुछ पुराने कार्य बनेंगे, आज भाग्य खिलखिला उठेगा। आज आपको विदेश जाने के लिए योग बन रहे हैं, विदेश जा सकते हैं, लेकिन विदेश जाने से पहले आपको अपनी कीमती चीज़ की देखरेख जरूर करना होगा। और साथ ही साथ बता दें कि विदेश में जो लोग है वहाँ पर बसना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, जीवन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, नौकरी करते हैं तो प्रमोशन चाहते हैं, तो उनके लिए आज के दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी बहुत ही खूबसूरत रहेगा। कई प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे और मनचाही सफलताएँ प्राप्त होंगी, प्रत्येक कार्य बनेगा और जो कुछ भी समस्याएं थी, जो कुछ भी परेशानियां थी वो दूर होगी। आज आपको किसी नज़दीकी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा और आज आपके किसी भी यानी कि कार्य में पहले से अगर कोई व्यवधान थी तो व्यवधान दूर होता हुआ नजर आएगा। आज आपको बता दें कि लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी बरतनी होगी, किसी भी कागजात पर साइन न करें तब तक जब तक उसे जाँच न पड़ताल लें, वरना धोखा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सोच समझ कर कदम रखना होगा। आज गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त होगा, जमीन प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा, पुरानी प्रॉपर्टी वगैरह बेच सकते हैं। आज आपको यात्रा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, खान पीन की चीज़ों में ध्यान रखिएगा और बाहर की चुटपुटी चीज़ों से दूरी बनाए रखें। तो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मिलना जुलना और उनके साथ बैठना भी है आपका, और आज बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, माता पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा, उनके सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। आज स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में लाभ देखने को मिलेगा। आज आपका शुभ रंग रहेगा यहाँ पर नीला, भाग साथ निभारा तकरीबन 89% है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।